जायदाद इस शब्द में केवल चार अक्षर हैं, लेकिन आजकल इसका महत्व बहुत ज्यादा है। आज के जमाने में कुछ लोगों के लिए वृद्ध लोगों की जायदाद उनसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। कभी कभार ये जायदाद एक भले इंसान को गूंगा भी बना देती है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण हम आज अपनी रिपोर्ट में पेश करते हैं। हरिहर काका अपने भाइयों के साथ वैसाढ़ी गाँव में रहते हैं। हरिहर काका के पास 15 बीघा जमीन है। इस जमीन को पाने के लिए एक तरफ से मेहनत और दूसरी तरफ से उनके भाई अपनी जी जान लगा रहे हैं। उनकी जमीन को हड़पने के लिए उन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके अपनाए। आखिर काका की जमीन किसे मिली, आइए जानते हैं आज की रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक देखते रहिए VHS न्यूज। किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। इस कहानी के नायक है हरिहर काका। हरिहर काका गांव में रहने वाले एक विदुर बुजुर्ग हैं। आइए देखते हैं काका की स्थिति। आखिर काका की ऐसी स्थिति कैसे और क्यों हुई? आखिर कौन है काका के गूंगेपन का जिम्मेदार? आइए जानते हैं संवाददाता गार्गी वर्मा की रिपोर्ट से। आइए जानते हैं हरिहर काका के बारे में। क्या आप हरिहर काका को जानते हैं? हाँ बेटी, मैं जानती हूँ। क्या आप हमें हरिहर काका के परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं? बेटी, हरिहर चार भाई थे, सबकी शादी हो चुकी थी, अब वह उन्हीं के साथ रहता है। हरिहर की तो 2 बार शादी हुई, परंतु क्या करें, उनकी दोनों कन्या बिना संतान को जन्म दिए ही स्वर्ग से डर गई। और शायद हरिहर और उनके भाइयों के पास 60 बीघे खेत है। हरिहर का सभी खेतों का पैदावार भाइयों का घर ही जाता है। भगवान जाने हरिहर का क्या होगा। मुझे तो इतना ही याद है जी। धन्यवाद। अब हम हरिहर काका के बारे में जान चुके हैं, आइए जानते हैं कि काका के साथ इस दिल दहलाने वाली घटना की शुरुआत कैसे हुई। हरिहर काका की देखभाल ठीक से नहीं की जाती थी। उन्हें खाने में रूखा सूखा खाना दिया जाता था बची कुची वाली। और वैसे भी वो इतने अच्छे थे कि वो ऐसे बातें करते ही नहीं थे। एक दिन जब उनके घर में मेहमान आए, ढेर सारी पकवान बने, फिर भी उन्हें वही रूखा सूखा खाना मिला। उस दिन वो बहुत गुस्सा हुए और घर छोड़ के चले गए। रास्ते में उन्हें वैसे ही महंत जी मिल गए। महंत काका से मिले तो महंत ने काका को अपनी बातों से बहला फुसला दिया और अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम करने के लिए राजी करवा दी। जब काका ने बहुत दिनों तक कोई जवाब नहीं दिया तो महंत ने काका का अपहरण कर लिया और जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान ले लिए। तब तक काका के भाई उन्हें पुलिस के साथ बचाने आए। काका के जमीन अपने नाम करने के लिए काका के भाई उनकी देखभाल करने लगे, पर एक दिन उनके भाई भी उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए काका को पीटने लगे।
पीटते पीटते काका चिल्लाने लगे और हम सब गांव वाले उन्हें बचाने आ गए। अब काका अकेले रहते हैं और उनकी रक्षा के लिए 4 पुलिस के जवान तैनात है। मुझे लगता है कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुर बारी को दे देनी चाहिए। अगर उन्होंने अपनी जमीन ठाकुर बारी को दे दी तो उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और वैसे भी जमीन ठाकुर बारी को देने से तो पुण्य का काम होता है, और अगर उन्होंने दे भी दिया तो हमारे ठाकुर बारी का मुकाबला कभी कोई नहीं कर सकता है। मुझे तो लगता है कि काका का जमीन उनके भाइयों को ही मिलना चाहिए। वो तो काका के सागे भाई हैं, उनका खून का रिश्ता ही तो है। और वैसे भी काका के मरने के बाद उनकी जमीन उनके भाइयों को ही मिले, इसलिए काका का जमीन का सही हकदार उनके भाई है। धन्यवाद। वैसाठी गांव से पत्रकार गार्गी, कैमरामैन साइमन के साथ, VHS न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी लड़ाई काका की जायदाद के लिए हो रही है। अब काका के भाइयों का पक्ष जानने के लिए काका के रिश्तेदारों के पास चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम हरिहर काका के भाइयों के घर में हैं और हमारे साथ काका के रिश्तेदार मौजूद है। आपका हरिहर काका के बारे में क्या विचार है? क्या आपने काका को पीटा था? अगर आपने काका को पीटा था तो आपने उन्हें क्यों पीटा? जी नहीं, हमने काका को बिल्कुल नहीं पीटा है। गांव वाले हम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। हम तो काका की बहुत इज्जत करते हैं और तो और उनकी सेवा भी करते हैं। और गांव में एक अफवाह फैली हुई है कि जब हरिहर काका की मृत्यु हो जाएगी तो आप उनकी जमीन हथियाने के लिए डाकू उतन सिंह को बुलाएंगे। क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। आप तो जानते हैं कि गांव में अन्य प्रकार की अफवाहें फैलती है, और हम अपने भाई के बारे में भला ऐसा क्यों सोचेंगे? वो हमारे अपने हैं। गांव वाले हमारे पर कीचड़ उछालना चाहते हैं, ये सब झूठ है। क्या आप काका को कुछ कहना चाहते हैं? जी जरूर, हम अपने प्रिय काका से ये कहना चाहते हैं कि वो इन अफवाहों पर भरोसा ना करें, जल्द से जल्द घर लौट आए। हम इस घर में उनके दर्शन के लिए तत्पर हैं। उन्होंने काका के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया और अंततः उन्हें प्रताड़ित भी किया। आइए अब चलते हैं ठाकुर बारी की ओर और जानते हैं मेहनत के लोगों का इस विषय में क्या कहना है। नमस्कार, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी ठाकुर बारी में हैं और हमारे साथ कुछ संत मौजूद हैं। आपका महंत के बारे में क्या विचार है? अरे बेटी, महंत जी बड़े ईश्वर प्रेमी व्यक्ति थे, परंतु काका का अपहरण करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह काका का भला ही चाहते थे, पर यह करने के लिए उन्होंने गलत मार्ग को अपनाया है। ठाकुर बारी के लोग हरिहर काका के बारे में क्या सोचते हैं? ठाकुर बारी के सभी साधु संत काका का भला ही चाहते हैं, और ठाकुर बारी में दान देना एक पुण्य का काम होता है, और अगर काका ने अपने 15 बीघे जमीन का ठाकुर बारी के नाम लिख भी दे तो उनके साथ भला ही होगा। और हमने ठाकुर बारी में काका का रहने का सारे इंतजाम कर लिए हैं, और उनके घर के सदस्य उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो हमने जो कुछ भी काका के लिए किया उनके हित के लिए ही किया। धन्यवाद। ठाकुर बारी से पत्रकार श्री कैमरामैन के साथ, VHS न्यूज। हमें ये पता चला है कि महन जी काका के हितैषी हैं और सभी साधु संत काका का भला ही चाहते हैं। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए VHS न्यूज। Thank you.
अभी हमारे साथ वैसाडी गांव के पुलिस स्टेशन के मुखिया इंस्पेक्टर शिवम कुमार फोन पर जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उन्हें काका के केस के बारे में क्या क्या पता है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। आज हम आपसे हरिहर काका के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। आपको इस केस के बारे में क्या क्या पता है? हमें हरिहर काका के बारे में तब पता चला जब उनके भाइयों ने काका को बचाने के लिए हमारी सहायता मांगी। तब हमने उनके साथ काका को बचाया। काका को बंधन मुक्त करने के बाद उनकी सारी बातें सुनी। फिर कुछ दिनों बाद हमें महंत ने बुलाया। तब हमने देखा कि काका को बहुत बुरी तरह से पीटा था। काका को बंधन मुक्त करने के बाद काका ने हमें बताया कि उनके भाइयों ने काका को बहुत मारा और जबरदस्ती उनके अंगूठों के निशान भी ले लिए। तो अब पुलिस इस मामले के बारे में क्या कर रही है? जी, हमने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और जैसे ही हमें कुछ सबूत मिलेंगे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल अभी तो हरिहर काका के सुरक्षा के लिए 4 जवान तैनात हैं और काका के परिवार और महंत के लोगों ने काका की रक्षा के लिए 2 जवानों की मांग की थी। तो अभी हमारे 4 पुलिसकर्मी काका की सुरक्षा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है काका की जमीन किसे मिलनी चाहिए? देखिए, हमारे इस विषय पर कोई विचार नहीं है। जब तक काका जिंदा है तब तक काका की जमीन उनके पास ही रहनी चाहिए और काका मरने से पहले अपने इच्छा पत्र लिख सकते हैं कि उन्हें अपनी जमीन किसे देनी है। और अगर काका को इच्छा पत्र न लिखें तो उनके मरने के बाद उनकी जमीन हरिहर काका के भाइयों को ही मिलेगी। और देखिए, अब हम इतना ही कह सकते हैं। धन्यवाद। आपके साथ बात करने से हमें बहुत कुछ पता चला है। हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम मिथिलेश्वर जी के पास चलते हैं। मिथिलेश्वर जी काका के मित्र और पुत्र के समान हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी मिथिलेश्वर जी के घर में हैं और वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए चलते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। क्या आप हमें हरिहर काका के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी अवश्य। काका एक नेक आदमी थे। वे मुझे अपने पुत्र के समान प्यार करते थे। वे तभी भी खुश थे जब उनका परिवार उनका अच्छा ख्याल नहीं रखता था। लेकिन अब वो एक दयनीय स्थिति में हैं। काका अब ठाकुर बारी पे विश्वास नहीं करते हैं। उनके परिवार ने भी उनके साथ विश्वासघात किया है। मैं काका के लिए बहुत दुखी हूँ। अब उनका कोई सहारा नहीं बचा है। इन सारी घटनाओं की वजह से काका गूंगेपन के शिकार बन गए हैं। क्या आप हमें या हमारे दर्शकों को कुछ और कहना चाहेंगे? जी, अब काका को मदद की जरूरत है। मैं आशा करता हूँ कि मीडिया के द्वारा सभी दर्शकों से काका को कुछ मदद मिलेगी। कृपया काका को उनके इस दयनीय स्थिति में उनकी मदद करें। धन्यवाद। 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 वैसाड़ी गांव से पत्रकार प्रज्ञा के साथ कैमरामैन संतोष, VHS न्यूज से। जैसा कि आप देख सकते हैं, काका एक बहुत ही दयनीय स्थिति में। काका की स्थिति के जिम्मेदार कौन है ये तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट के साथ बता ही दिया। इस घटना से हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहला, हमें अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए। दूसरा, लालच से परिवार में दरारें पड़ जाती हैं। तीसरा, हमें वृद्ध लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। हमें उन्हें बोझ नहीं मानना चाहिए। हर रोज उनके साथ थोड़ा समय बिताएं और उन्हें भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए VHS न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विदुषी भोगना और VHS न्यूज में आपका स्वागत है। 3 महीने पहले हमने हरिहर काका के बारे में एक रिपोर्ट पेश की थी। जैसा कि आपको याद होगा, हरिहर काका की जायदाद के अधिकार के लिए महंत जी और उनके भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। आज हम आपको बताते हैं कि काका की जमीन का क्या हुआ। काका ने अपनी 15 बीघा जमीन में से 5 बीघा जमीन बेचकर एक वृद्धाश्रम बनाने की तैयारी शुरू कर दी।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक देखते रहिए वीएचएस न्यूज। हमने 3 महीने पहले आपको बताया था कि काका ने एक वृद्धाश्रम बनाना शुरू कर दिया है। अब खुशी की बात यह है कि काका का वृद्धाश्रम बन चुका है। महंत जी और काका के भाइयों ने काका से माफी मांगी है और काका ने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब काका खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ रह रहे हैं। काका के वृद्धाश्रम का ख्याल मिथिलेश्वर जी रखते हैं। अब काका का किस्सा यही खत्म होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। Are you searching for thrilling and simple Arduino projects? Then you came to the right place. I'm Shashidhar from India. You will find thrilling and simple Arduino projects on my channel. Technical Science. So you make sure to check out my channel on YouTube. And don't forget to subscribe. Also press the bell icon. And select all. So that you can never miss any updates regarding my channel and videos. Keep smiling. Bye bye.